तुम भी आ जाओ। परिवार को समर्थन रावतन नमस्कार। जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो मैं आज अंधोप गांव में पहुंचा हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सरपंची का इलेक्शन चला हुआ है, ब्लॉक मेंबरी का इलेक्शन चला हुआ है। कल आप लोगों को मैंने दिखाया था, दयालु और सीताराम ने प्रकाश बोहरे का ब्लॉक समिति के लिए समर्थन किया था। और आज एक दूसरा मेरे को ऐसा ही एक प्रोग्राम आज मेरे को देखने को मिला है। यहाँ क्या है, आज रावत पट्टी का, पूरी रावत पट्टी का समर्थन दिया है। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हुए हैं। सभी से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। एक बार आइए मेरे साथ जी। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने नेत्राम को, बाबूजी को समर्थन दे दिया है जी। बहुत बहुत बढ़िया, आपने नेत्राम बाबूजी का समर्थन दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी समर्थन दे दिया। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? आप कल भी थे। बड़ी खुशी की बात है, इससे भाईचारा कायम होता है, बहुत अच्छी बात जी। बड़ी खुशी की बात है। तो अभी मैं आपको फिर इधर लेके चलता हूँ। जीतराम गुरुजी जो भी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं और बहुत ही जाने माने अंधोप के व्यक्ति हैं, और मैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ एक बार। नमस्कार जी। नमस्ते जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे गांव में एक अच्छे शिक्षित और ईमानदार उम्मीदवार के लिए निर्विरोध की एक महीने तक पंचायत चली जी, और उसमें कोई फैसला हम नहीं कर पाए। परंतु आप लोगों के थोक ने एक ऐसे नेक और ईमानदार आदमी का चुनाव किया है, तो सबसे पहले तो मैं आपके थोक के सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आपका जी। निश्चित रूप से आपने और हमने सबने एक विश्वास देखा है, और अब उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं नेक और ईमानदार उम्मीदवार भाई नेत्राम बाबूजी, और हमें पूरा भरोसा है कि जिस उम्मीद के साथ ये ग्राम बस्ती उनको चुनने जा रही है, वो निश्चित रूप से इस गांव का विकास करेंगे, और यही हमारी इच्छा थी सभी की। हम सब ने थोकवाद, गोत्रवाद, मोहल्लेवाद सबसे ऊपर उठ करके गांव के विकास के लिए एक नेक और ईमानदार आदमी को चुनने का फैसला किया। आपका एक बार और, यहाँ पर पलटू राम जी बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, जो कि गांव के बहुत अच्छे पंच हैं। पलटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस समिति में। नमस्कार। नमस्कार भैया। तो थोड़ा सा आवाज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी आवाज बुलंद है, उसी आवाज के साथ भैया। आवाज हमारी ठोस रहेगी, बहुत जोर को कैंडिडेट है। अब तो आप वो खरबी राजीव है, ईमानदार कैंडिडेट है, और हम जी जानकर आप मानते हैं अक्सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर प्रकाश मौर्य जी भी बैठे हुए हैं। प्रकाश मौर्य जी, आपको कल समर्थन मिला था सीताराम का, तो आपको, आपने जो बयां किया आपको बहुत अच्छा लगा। आज बाबूजी को समर्थन मिला तो आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने कदम उठाया, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी रूबरू कराना चाहता हूं। इधर नौरे वारे थोक से भी यहां पर भक्तलाल जी बैठे हुए हैं। तो भक्तलाल जी, आज ये समर्थन आपके थोक को मिला तो आपको कैसा लग रहा है? भाई, सबसे पहले तो मैं उस थोक का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा विश्वास किया। कौन से थोक ने विश्वास किया आपके ऊपर? बहुत बढ़िया बात है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाबूजी का जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल अपने विश्वास पर खरे उतरेंगे, और इन भाइयों का हम हमेशा जो है आभार प्रकट करते हैं। देखो, मेरा तो यही मत है, क्योंकि काफी दिन से प्रयास चल रहा था। एक महीना हो गया, गांव में चार बार पंचायतें की गई, मगर उसमें कोई निर्णय हम नहीं ले चुके। अब लास्ट में जो हमारा थोक इकट्ठा हुआ और उसने जो चुन करके हमारे कर्मठ ईमानदार बाबूजी नेत्राम को जो नियुक्त किया गया जी। अब उसको जब हमने गांव में चारों तरफ घुमाया और गांव की आब हवा देखी, तो गांव ने हमको जो ठीक ही सिग्नल दिया
और अब कहने का तात्पर्य ये कि मैं तो जो है बाबूजी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अपने कार्यकाल में भाई चारों तरफ से जो है बस्ती, पूरी बस्ती के लिए अपना नेक ईमानदारी से काम करें। रही बात ये बड़गुजर थोक की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भाई इन्होंने जो हमारे ऊपर जो है ये पगड़ी का जो भार रखा है, हम जो है अपने कार्यकाल में इनका सम्मान करते रहे। धन्यवाद। ठीक है जी, आपको क्या लगता है कि नेत्राम बाबू जी जीतने वाले कैंडिडेट हैं? जीतने वाले भैया, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। नेत्राम बाबू जी नमस्कार, एपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज आपकी खुशी देखने में तो लग रहा है आपका चेहरा बहुत खिल है, क्योंकि आपको बहुत बड़े थोक का एक समर्थन मिला है, कुनबा का, बहुत बड़े कुनबा का समर्थन मिला जिनके पीछे काफी सारी वोट है। तो क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं बड़गुजर थोक का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझे समर्थन किया है मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा जी। और मेरे अगर मुझे ये सरपंच जी का पद मिलता है जी, तो मैं अपने गांव में भाईचारा, सर्वप्रथम भाईचारे को बनाऊंगा जी, और विकास की सारी जितनी भी योजना है जी उनको लागू करूंगा। बिल्कुल पारदर्शी सरकार जो है ये रहेगी जनता की जी। मैं जिन भाइयों ने समर्थन किया है मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनका पूरा सम्मान और सहभागिता इसमें पूरी रहेगी जी। इतने समर्थन के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हम विजयी होकर निकलेंगे जी। तो मैं अभी आपसे एक और दो तीन मेरे छोटे छोटे से सवाल हैं उनके बारे में और पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये अभी जो टाइम चला हुआ है राजनीतिक टाइम है, इसमें छोटे छोटे से मेरे दो तीन सवाल हैं कि आप गांव की भलाई के लिए सर्वप्रथम कौन सा काम आगे बढ़ाना चाहते हैं? सर्वप्रथम यहाँ पर पेयजल की जो समस्या है, मेरा प्रायोरिटी में एक नंबर पर पानी, पीने के पानी की व्यवस्था जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए जी। हर घर में पानी पहुंचना चाहिए और बिना किसी रुकावट के पहुंचना चाहिए, कोई भेदभाव कहीं नहीं होना चाहिए जी। दूसरी मेरी जो प्राथमिकता है वो सफाई है, जितनी गलियों में गंदगी है ये सर्वविदित है कि जितनी गंदगी होगी जी उतनी बीमारियां फैलेंगी जी। हम लोग कितना पैसा डॉक्टरों को देते हैं जी, मच्छर पैदा होते हैं जिससे अनेक बीमारियां फैलती हैं जी। ये दो काम मेरे सर्वप्रथम है जी। बाकी मेरी सरकार ऐसी रहेगी जी कि जिसमें पूरी बस्ती के लोग जो है गणमान्य लोग होंगे, जो सरकार से जो भी फंड आएगा जी वो पहले उनको बताया जाएगा कि इस योजना में इतना फंड आया है जी और इसे कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है जी। मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि मेरी पूरी पारदर्शी सरकार रहेगी जी। तो आप कह रहे हैं कि पारदर्शी सरकार रहेगी, आपके पास जो मेंबर चुन के आएंगे उनको भी साथ में लेके चलेंगे, उसके बाद जो गांव के गणमान्य व्यक्ति होंगे उनको भी अपने साथ में लेके चलेंगे? बिल्कुल, सबको साथ लेके चलना है और सबका विकास करना है जी। इसमें कोई भेदभाव किसी का नहीं होगा, ऊंच नीच बिल्कुल नहीं होगा। तो जो पिछले सरपंचों का कार्यकाल रहा है उसमें कितनी सारी यहाँ पर कमियां देखने को मिल रही है गाँव में, किस तरह की कमियां है गाँव में? ये तो सर्वविदित है, यहाँ पे गंदगी का ढेर है, कोई भी सफाई का कोई वो नहीं है, पेयजल का कोई प्रबंध नहीं है, हमारे नहरी पानी के लिए कोई जो भी है कोई प्रयास नहीं है, जो भी कहीं पीछे जो जितना फंड आया है अभी ये सब 5 मिनट में पूरे गांव को पता है कि ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, किसी को यही पता नहीं है कि वो कहाँ है जी। तो ये सब पूरी जो है सरकार जो रहेगी हमारी वो पूरे 5 साल तक सिर्फ विकास का कार्य करेगी और कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बाबूजी हैं पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं है कि अनपढ़ है, आगे भी जाकर आपका विकास कराने में आपका बहुत बहुत योगदान करेंगे। बाबूजी एक बार बताएंगे आपकी एजुकेशन के बारे में? मैं MA पॉलिटिक्स हूँ जी, और वैसे BCOM किया हुआ है ग्रेजुएशन में जी, बाकी मैं चीफ मैनेजर से रिटायर हूँ जी, बड़ौदा से जी। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे से ग्रांट लेकर आने में, आप सारी ग्रांटों को लेकर गांव का विकास करेंगे? बिल्कुल जी, जो भी आएगा। तो एक बार मैं जीतराम जी से भी एक दो सवाल ले लेता हूँ, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और गांव के विकास में आपका बहुत ज्यादा योगदान देखने को मिलता है, तो आप इसमें कैसे भागीदारी निभाएंगे? जो
जो भी विकास कार्य हमारे गांव में होने हैं और जो पंचायत के अंदर पूरी पंचायत हमारी करने में सक्षम है, फिर भी हमारी यदि उनको जरूरत महसूस होती है तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जो भी हमारे सुझाव होंगे वो हमेशा गांव की उन्नति के पक्ष में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर गोविंद राम जी भी बैठे हुए हैं। गोविंद राम जी, ऐसा मत कहो आप मेरा मत रहो, नहीं आपको आज बोलना पड़ेगा, आज बोलना ही पड़ेगा आपको, आप जनता के सामने बोलना पड़ेगा। आप जो कैंडिडेट चुन के ला रहे हो, इधर देखिए आप कैमरे की तरफ, जो कैंडिडेट चुन के ला रहे हो वो कैसा कैंडिडेट? बहुत अच्छा कैंडिडेट है। हम तो यही चाह रहे कोई ईमानदार आदमी आवे जी, और हमारी इच्छा पूरी हो रही है, पूरी बस्ती साथ है, हम भी उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ युवा साथी बैठे हुए उनके भी मैं विश्राम देना चाहता हूँ। हेमराज जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले गांव बस्ती को नमस्कार, और जो भी हमारे बाबूजी पे थोकने, रावत पाल ने मतलब बटगुजर मोहल्ले ने हमारे बाबूजी को समर्थन दिया है, और ये नेक ईमानदार पढ़े लिखे शिक्षित और गांव भी लोग आपसे भी रूबरू होना चाहते हैं, तो हरकेशी एक बार बताएंगे आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ी आप थोड़ी सी आवाज तेज करके पहले इस मीडिया के संपादक आयोजक में श्री अपने राहुल साथी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी, क्योंकि जो इस चैनल के माध्यम से जो जागरूकता की उन्होंने मुहिम चला रखी है, सही है, वह सराहनीय कार्य है। और अभी जो हमारे जीतपाल मास्टर जी ने जो विचार रखे, श्री गोविंद राम जी ने रखे, और मौजूदा मान्य गणमान्य हमारे श्री नेत्राम बाबूजी ने रखे, मैं उन सभी से सहमत हूँ और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हमें सभी खुद देखने को मिलेगा और हमारा गांव विकास की ओर बढ़ेगा। आप सभी का धन्यवाद। तो एक बार जनता का कैसा जोश है, एक बार जनता भी अपना जोश दिखाए। धन्यवाद।